संसद द्वारा पारित किसान बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए जाप के नेताओं ने पटना के सड़कों पर उतरकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसी बीच भाजपा और जाप के नेताओं ने आपस में भिड़ गए और जाप के नेताओं पर बीजेपी के लोगों ने हमला बोल दिया और जमकर लाठी डंडे भी चली। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिसको लेकर जाप के नेताओं ने विरोध जताया है। आज सिवान के जाप जिला अध्यक्ष विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुप यादव ने प्रेस वार्ता कर इस घटना पर घोर निंदा किया और जमकर इस डबल इंजन की सरकार पर बरसी। वहीं जाप जिला उपाध्यक्ष अशोक सम्राट ने इस घटना को साजिश के तहत कराने का दावा किया है। कहा कि भाजपा के गुंडों ने जाप के नेताओं पर जानबूझकर भाजपाइयों के द्वारा हत्या कराने की साजिश रची गई थी। केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, लागू किया गया, उसको लेकर किसानों के समर्थन में मेरी पार्टी विरोध मार्च पूरे जिले में और पटना के सड़कों पर निकली हुई, जिसमें विरोध मार्च करते करते हमारे पार्टी के वरीय नेताओं द्वारा पंचायत टोली में बंटकर करा अथी हो रहा था, विरोध मार्च हो रहा था। उसमें एक टोली आयकर गोलंबर के पास से गुजर रही थी। उसी रास्ते में भाजपा का कार्यालय है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की नारा लगा रही थी। हुआ यह कि भाजपा कार्यालय से भाजपा के गुंडा लाठी डंडा रॉड लेकर निकले। कुछ लोगों ने तो पता चल रहा है ये पिस्टल के इसे गोली भी चलाई, बार बार हमारे पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव हैं और विशाल कुमार छात्र नेता है, मनीष यादव, इस सारे लोग थे। इतना बड़ा हमला किया गया, इतना बड़ा हमला किया गया जिसको पूरा देश दुनिया ने देखा है। यह हिटलर शाही की सरकार जो है, ये लाठी डंडा की सरकार जनता के आवाज को दबाना चाहती है, तो हम लोग लाठी डंडा से तो डरने वाले हैं नहीं। और मेरी पार्टी इस पर निंदा प्रस्ताव, घोर निंदा प्रस्ताव पारित करती है और हम लोग उसको बहुत निंदनीय घटना को देख रहे हैं। हम लोग तो संवैधानिक तरीका से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। गरीब जो किसान 85% इस देश में किसान ही अपना उत्पादन पैदा करता है, तो जो भी लोग हैं उन लोगों के पेट में अन्न दाना जाता है। और संवैधानिक तरीका से जो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यही ना सब होता है जी संवैधानिक तरीका में, उसको आप अगर दबाइएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगी और जनता पाई पाई का हिसाब ले। किसान विरोधी बिल सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे निहत्ते कार्यकर्ता को, जिन्होंने इस तरह पिटाई की, आपने वीडियो देखा होगा, जैसे लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई पाप किया है। और बीजेपी कार्यालय में लोग कह रहे थे कि मीटिंग हो रहा है, हमें नहीं लग रहा है ये लोग पहले से तैयारी में थे
कि जन अधिकार पार्टी के नेतागण जो हैं और हमारे पूर्व पार्टी के विधायक, हमें लगता है कि उनकी हत्या की साजिश थी, मनीष कुमार यादव की हत्या की साजिश थी, एक और लड़का था उसकी हत्या की साजिश थी, और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी जिस गरीब यतीम और मासूम के लिए लड़ते हैं, तो भाजपा के लोग या किसी पार्टी के लोग कान खोल के सुन लें, ऐसे ऐसे लाठियों डंडों से डरने वाली जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के सिपाही नहीं हैं। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन टस से मस नहीं होंगे। हम लोग जितनी भी ताकत लगानी है सरकार लगा ले, नरेंद्र मोदी जी लगा ले, लेकिन हम लोग अपनी कहे पर अडिग रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, मजदूरों के साथ रहेंगे। जो 25 सितंबर को जो भारत बंद था, हमारी पार्टी के तरफ से भी, जन अधिकार पार्टी के तरफ से भी बिहार बंद रखा गया था, उसमें कुछ धरना प्रदर्शन करते वक्त कुछ साथियों, जो भाजपा का जो कार्यालय है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और उस गेट पे चढ़ के कुछ नारे लगा रहे थे। तब तक वहाँ पे कुछ नेता लोग जो भाजपा के हैं वहाँ से गेट खुलवाए और लाठी डंडे से उन लोगों के ऊपर वार कर दी। तो यह हमें दिखाई दे रहा है, साफ नज़र में दिखाई दे रहा है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो मुँह छुपाए मैंने बैठी हुई है, लेकिन उस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है।